वेलकम टू नोशी ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ जो जहाँ हो खुश हो और सेहतमंद हो, आमीन। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। एक सुहानी सुबह, खूबसूरत सुबह के साथ, मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है और कराची ना पुराना पुराना वाला कराची लग रहा है, जैसे बचपन में देखती चली आ रही थी कि कराची का जुलाई और अगस्त बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि मानसून चल रहा होता है। तो जी, बेटियों में और हस्बैंड में चल रही है कोई खुसर पुसर, इनकी कोई मीटिंग चल रही है। अब पता नहीं इन्होंने क्या आपस में ये गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी नतायज आने तक ना मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। तब देखते हैं कि कमरे से बाहर क्या खबर आती है। अलग से प्रोग्राम बना है हमारा ग्रॉसरी के लिए जाने का, और हम जा रहे हैं जो जौहर में ब्रांच नहीं खुली है, चेज़ प्लस, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मौसम है ऐसा, मतलब ना तो बादल बारिश वाले हैं और ना ही इतनी कोई ख़ास गर्मी है। मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं, तारों पे फैला दिए हैं, अब अल्लाह के सुपुर्द है मेरे कपड़े, अल्लाह पाक मेरे कपड़ों की हिफाज़त करेगा। तो फिर इंशाल्लाह अगर मुझे वहाँ उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि कोई एक आध क्लिप दे दूँ, ताकि आपको पता चले कि नया चीज़ अब कैसा है। तो चलें बैठते हैं गाड़ी में। मस्त अंदर शॉपिंग में लगे हुए हैं और यहाँ आंधियाँ हो गई, बारिशें हो गई, पूरा जल थल हो गया और ना बड़ा अच्छा सुहाना सा मौसम हो गया। मुझे नहीं लग रहा कोई इतनी कोई ख़ास हवा चल रही है, शायद हम अपोजिट खड़े हैं इस वजह से। लेकिन ये है कि हम ना इतना मस्त मगन हुए पड़े थे अंदर शॉपिंग में कि हमें पता ही नहीं चला कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ना ऊपर से पत्थर गिर रहा है। मैंने कहा है अल्लाह का अज़ाब आ गया है कि हमारे पर पत्थर बरसने लगा। बहरहाल हम लोग अब डन हो गई है हमारी सारी शॉपिंग, बिलिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। फिर मैं इंशाल्लाह घर जाके आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज किया। अल्लाह हाफिज़। तो जी, ग्रॉसरी करके हम लोग आ गए थे वापस। तो मैं सारी ग्रॉसरी तो आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो वही रूटीन के आइटम्स होते हैं जो रोज़ाना घर में यूज़ होते हैं, आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह, तो उसको दिखाने का कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने लगाई है वो दुकान जो कि चीज़ें स्पेशल और हर महीने ग्रॉसरी में मोस्टली नहीं आती, जो कि मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हैं। सबसे पहले है एनचेंटर का परफ्यूम शॉवर जेल, ये दूसरी बॉटल है। एक बॉटल पहले मेरी बेटियां यूज़ कर रही हैं और मैं उनकी रिकमेंडेशन पर ये अगेन दोबारा लेकर आई हूँ बकौल उनके कि ये बहुत अच्छा है और इसकी झाग भी बहुत अच्छी बनती है, और दूसरा ये कि काफ़ी देर तक बॉडी पर इसकी अच्छी सी स्मेल रहती है। तो मैंने ले लिए, एक और बॉटल ले लिए। अगेन एक पियर्स का था, ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये मैं अपने यूज़ के लिए लेकर आई हूँ। ये आपको इसकी क्वांटिटी कम लग रही होगी, हुआ ये कि ये शॉपर में ना ये बेचारा यूँ ऊंधे मुंह गिरा हुआ था, जैसे आजकल पाकिस्तान की मईशत गिरी हुई है ना ऊंधे मुंह, ये बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ था और ये इतना इतना ना डुल चुका था शॉपर में, तो इसलिए इसकी इतनी क्वान्टिटी आपको कम लग रही है। इसकी खुशबू भी अच्छी है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं निविया यूज़ कर रही हूँ और वो अगेन वही हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए जब मैं दोबारा लेने जाती हूँ तो वो आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो वही मामला उसके साथ हुआ कि वो मुझे नहीं मिला, वो कहने लगा मैम सॉरी आउट ऑफ स्टॉक है, हालांकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो मेरा ख्याल 845 या 50 रुपीज़ समथिंग अराउंड दैट, इस तरह से उसका कोई मतलब प्राइस थे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है नया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो मैं ये ले आई हूँ। उसके बाद बहन ने आपकी ली ये आधी दर्जन लिपस्टिक्स। इनके शेड्स और इनके कलर्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, क्योंकि अभी दराज से मैंने कुछ और शेड्स भी ऑर्डर किए हैं, तकरीबन 4-5 के करीब,
तो इंशाल्लाह वो मंडे तक मुझे मिल जाएंगे। तो फिर मैं इनकी अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सारे शेड्स भी और नंबर्स भी। पूरी टोटल जो वीडियो होगी वो मेडोरा के मैट लिपस्टिक के शेड्स पर होगी, क्योंकि अभी मैं आपको इनके स्वेचेस दिखाना शुरू कर दूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है ये एक, मैंने लिया है स्क्रबर डर्माकॉस का, और एक लिया है मैंने क्लिनज़र। तो मैं फर्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट टच यूज़ किया है और वो काफ़ी सारे मतलब उसका सईद गनी का इस्तेमाल किया है, एक डर्मा शाइन का है वो यूज़ किया है, तो ये मैंने काफ़ी सुना था। इनफैक्ट जो ग्लो विथ महनूर हैं उनका फेवरेट है, तो उनकी वीडियोज़ बहुत शौक से देखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसको इस्तेमाल करके देखती हूँ। फेस वॉश आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं मिस्टाइन का, क्योंकि जो हम लोग हैदराबाद में जो भी फेस वॉश हम यूज़ करते थे हमें सूट करते थे, वो कराची आके हमें सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि कराची का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है हैदराबाद के वेदर से। मतलब ऑनलाइन भी मंगवा के देख लिए, वैसे जगह जगह से ख़रीद के देख लिए, क्या क्या हमने अलग अलग ब्रांड्स हमने यूज़ नहीं किए, कोई फ़ायदा नहीं। अगेन ग्लो विथ महनूर ने इसको रिकमेंड किया था कि एक्नी प्रॉन स्किन के लिए ये बेस्ट है, तो वाकई ही ये बेस्ट है कराची का जो बहुत ज़्यादा चिप चिप वाला जो मौसम होता है ना उसके लिए, और ये 100% रेकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनके फेस पर एक्नी है, स्कार्स हैं, निशान हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम स्किन है उसके लिए ये बेस्ट है आप यूज़ करें। तो मैंने ये दो एक साथ ले लिया, अगेन मुझे डर रहता है कि ऐसे ना हो कि मुझे दोबारा मिले ही ना। उसके बाद कुछ पटारी जो है ना वो इस बैग में है, तो हाय 10 रुपये निकले, 20 रुपये, ओ भाई आपकी बहन तो हो गई, चुप करो गंदी चीज़ें नहीं खाते पैसे निकल आए भाई आपकी बहन के पास। अच्छा ये मैं लेकर आई हूँ हेडबैंड, उसके लिए एक मैं अब यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि ना मुझे यह होता है कि ऐसा ना हो कि ये जो चीज़ मुझे अशद ज़रूरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, वो ऐसा ना हो कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मुझे ना मिले, तो फिर मैं एक या दो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये मैंने हेडबैंड एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये हेयर क्लिप्स, प्राइस क्या थे इसके, 299 इसके प्राइस हैं, मतलब 300 के थे, इसमें से दो मेरी बेटी इस बार इस्तेमाल कर चुकी है। ये ना चोरनी लगी रहती है मेरी चीज़ों के पीछे। ये फेशियल हेयर रिमूवर मैं लेकर आई थी, अगेन मैं ये पोनियाँ लेकर आई हूँ अपनी, जो मैं क्या कहते हैं उसको जिम लगा के जाती हूँ ना, जो कपड़े पहनती हूँ, ड्रेसेस जो ड्रेसिंग करती हूँ उसके साथ मैचिंग, और ये नेल पॉलिश कह रही हूँ, नेल फाइलर है, ठीक है जी। और साथ ही मैंने लिया है ये एक बड़ा सा कैचर, ये भी अगेन यूज़ करूँगी मैं जिम के लिए, और ये भी पोनी है और ये भी पोनी है। ये सब मैंने ना अपने जो जिम के कपड़े हैं जो मैं किट करके जाती हूँ उनके साथ मैंने मैचिंग के लिए। उसके बाद ये ब्लैक है, ये तो हर किस्म के कपड़ों के साथ ये क्लिप चल जाएंगे। ये बड़ा वाला मैंने रिवाज का लिया है पेंसिल शार्पनर, ये मतलब बड़ी मोटी वाली जो होती है ना, मेरे जैसी मोटी पेंसिल भी इससे शार्प हो जाएगी और पतली वाली सुंडी जैसी भी हो जाएगी। मैंने इसको अभी खोला नहीं है, चलिए खोल लेते हैं आपके सामने, वो दिखा लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे स्टडी लग रहा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगेन ये मैंने ब्लैक स्क्रंची ली है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी 75 रुपीज़ की, तो मैंने ये ले ली। और दो अदद लिए हैं मैंने ये वाले कैचर, एक मेरा है एक मिसबा का है। अच्छा मैं मिसबा को ये पसंद आया था, मुझे ये पसंद आया था, हैं दोनों येलो लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था, ठीक है जी। और उसके बाद है ये मैंने ना एयरिंग्स लिए थे, ये मुझे अच्छे लगे थे, पास करके इधर आके देखो, उधर तुम्हें दिखाने नहीं, ऐसे नहीं दिखा रही मैं, इधर आओ, ये बहुत प्यारे से मुझे लगे थे और ये हैं 225 रुपीज़ के, ठीक है ये लिए थे। अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो मतलब फैशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं। अब मैं ये चीज़ें हटा के आपको दिखाती हूँ जो मैंने कपड़ों में जो ड्रेसिंग के लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ये हटाती हूँ और फिर वो दिखाती हूँ। तो जी अब पटारी आ गई है कपड़ों की। सबसे पहले तो ये अबाया है जो अक्सर ने अपने लिए लिया था, बस इसको ना चलते चलते पसंद आ गया और ये अपने अब्बा के पीछे पड़ गई कि मुझे लेके दें लेके दें, तो इसको अच्छा लगा तो उसने ले लिया। इसका प्रिंट पर ये कैल हो गई और ये था 1550 का, 1550 रुपये का था, साथ में इसका छोटा सा स्कार्फ है, तो ये इतनी चुई मुई सी तो है, इसका काम चल जाएगा।
ठीक है। साथ में मैंने ये एक शर्ट ली है जिम के लिए, फिर मैंने ये दूसरी शर्ट ली है। ये शर्ट थी 300 रुपये की, ये शर्ट है 1000 रुपीज़ की, ये शर्ट है 600 रुपीज़ की और ये शर्ट है 300 रुपीज़ की। और ये मैंने ट्राउज़र लिया, ये था 850 रुपीज़ का, बकौल बच्चे के कि ये स्टफ़ जो है वो खादी का है, लेकिन हम लोगों ने इसको खुद स्टिच करवाया हुआ है। इसका ना मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको, ये देखें बड़ा अच्छा इस पर डिज़ाइन बनाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे ना सफ़ेद चाहिए था, और क्योंकि ब्लैक और ऑफ वाइट मैं पहले ले चुकी थी तो मुझे सफ़ेद चाहिए था वाइट में ना, ताकि किसी भी शर्ट के साथ नीचे में पहन लूँ। और एक मैंने ये ट्राउज़र लिया है ब्लैक, ये था 800 रुपीज़ का, और एक ये मैंने ट्राउज़र लिया है, ये भी है 800 रुपीज़ का। तो ये कुछ कपड़े थे, जिम के कपड़े थे जो मैं ना आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि ये मैंने अलमारी के दूसरे खाने में रखे हुए थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। तो मैंने सोचा मैं इस क्लिप को ऐड कर देती हूँ, पूरी वीडियो दोबारा शूट करने से बेहतर है। एक ये मैंने लिया था 1500 का, और थोड़ा ग्रेइश सा कलर है इसका। एक ये लिया है मैंने ट्राउज़र जिम के लिए, फिटेड ट्राउज़र है जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेचेबल होता है ना, वो है ये। ये भी मैंने 1500 का लिया। और एक ये मैंने लिया, ये है 900 का, 899 रुपीज़ का। और एक मैंने लिया ये शर्ट, ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर बहुत कूल है, इस मौसम के अतबार से बेहतरीन कलर है, ये समर लविंग कलर है ये, तो ये भी 800 की थी। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो, मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।